बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अपर पोर्शन फॉर रेंट है, ये रेंट के लिए घर खाली है, दो कमरे हैं इसमें। ये सबसे पहले ये सैन का एरिया है, ये स्टेयर्स हैं जो नीचे से आ रही हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये सैन का एरिया है, सामने मिरर वगैरह लगा हुआ है। और एक बात ये भी है, ऊपर शेल्फें बनी हुई हैं, नीचे सारी टायर लगी हुई है। इस तरह है इस घर में, ये सिंक वगैरह लगा हुआ है, ये इसकी सामने बात है। इंडियन सीट लगी हुई है, इसमें टायर लगी है बात में, ठीक है। फिर मैं जैसे बाहर आता हूँ तो वो वाला इसका एड्रेस है वहाँ से। तो ये इसकी गैलरी है वेंटिलेशन के लिए। तो साथ ही एक ये पहला बेडरूम है, इसमें डिस्टेंपर हुआ है, नीचे मार्बल लगा हुआ है, विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और ऊपर एक स्टोर्स बना हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है एक, वो भी विंडो बनी है वेंटिलेशन के लिए। साफ सुथरा घर है, नया पेंट हुआ हुआ है, नीचे मार्बल लगा हुआ है। तो इधर बाहर भी फ़ैन लगा हुआ है एक, ये खुला डुला एरिया है ये बाहर, सामने टेरेस का एरिया है। तो ये साथ ही दूसरा बेडरूम है और इसकी अपनी अटैच बाथ है, इसमें भी मार्बल वगैरह लगा हुआ है, टायर लगी हुई है। तो साथ ये विंडो दी है, गैलरी है वेंटिलेशन के लिए, और एक विंडो उधर भी है। ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, बाकी ये आप आई डिस्टेंपर हुआ हुआ है। दो कमरे का घर है, बिजली पानी गैस तीनों चीज़ें इसकी मौजूद हैं। इसकी लोकेशन मिसरियाल रोड दीवान ख़ास शादी हाल की बैक साइड पर आता है, तो गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये जी इसका किचन है, किचन इसका काफ़ी खुला डुला है, इसमें कैबिन वगैरह बने हुए हैं, सिंक लगा हुआ है, एक विंडो है बाहर गली की तरफ खुलती है। ये जी इसकी किचन की कंडीशन है, शेल्फ बनी हुई है, बिजली पानी गैस तीनों चीज़ें इस घर में मौजूद है। बाकी डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। ये टेरेस का एरिया है, यहाँ पर ऊपर से कवर किया हुआ है पर्दे के लिए। तो ये स्टेयर्स हैं, ऊपर छत की तरफ जाती हैं, ऊपर दीवार चार दीवारी फिरी हुई है और इसके दरवाज़ा भी लगा हुआ है सेफ्टी के लिए।